फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग सीखना है तो आपको सिंपली इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आपको सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर से कैनमास्टर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपली कैनमास्टर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ 9x16 रिज़ॉल्यूशन ले लेना है। लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं, इतना हम बढ़ा लेते हैं। उसके लेयर पर जाकर आपको यहाँ से आपको जिस फ़ोटो को लगाना है, अपनी लगाओ या किसी और की लगानी है, जिस फ़ोटो को लगाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस फ़ोटो को थोड़ा हम ज़्यादा जूम कर लेंगे तो हम यह साइड यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो अब सिंपली आप इस फ़ोटो को थोड़ा सा इतना सा हम बढ़ा लेते हैं। तो सिंपली जितना आपका सॉन्ग हो उतना बढ़ा लेना, तो मैं आपको इतना बढ़ा के दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको इस वीडियो पर टाइप करना है और यहाँ पर की पे टैप करना। टैप करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा आगे आना है। यहाँ पर 4 सेकंड के लगभग आपको फिर से यहाँ पर फ़ोटो को इस साइड खींच लेना है। इतना खींच करने के बाद आपको सिंपली इस वीडियो के थोड़ा सा और आगे जाना है। तो फिर इससे आपको इस फोटो इस साइड खींच लेना है। आपको फिर से इतना एडजस्ट कर लेना है। फिर से आपको आगे जाना है, यहाँ से इस साइड फिर खींच लेना है। आपको सिंपली आपको फिर इतना होने के बाद अच्छे से लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद आपको सिंपली इस पर फोटो खींच लेना है। इतना खींच लेने के बाद आपको इस वीडियो को ओके कर देना है। इतने के होने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट में आना है। आपको यहाँ से इस वीडियो पर टैप करना है। यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर इस डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद आप डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर इस पिंक सो ये वाला इफेक्ट डाल देना है एनिमेशन। तो आपको नीचे सिंपली आना है, सेटिंग में जाना है, इसको -100 कर देना है। -100 करने देने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। तो सिंपली लेयर पर टैप करना है और आपको यहाँ ब्रश पे जाना है। इस ब्रश को सिलेक्ट करना है, यहाँ से वाइट इमेज कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसे थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह का देख लीजिए, नीचे इस तरह को आपको हाथों से करना है वाइट वाइट। तो मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना और इस फोटो को बन जाएगा ये फ़ोटो। तो आपको इस सिंपली इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम कर लेने के बाद आपको सिंपली इतना सा इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है इतना सा। उसके बाद आपको ये फिर से लेयर पर टाइप करना है। उसके मीडिया में जाना। मीडिया में जाने के बाद आपको एक यूट्यूब से वाइट स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं चाहिए आपको तो मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ बिल्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली इस वीडियो के बराबर सभी को कर लेना है, जितनी दोनों फ़ोटो को ये भी और ये भी फ़ोटो हम कर लेते हैं। उसके बाद इस पेंसिल वाला को भी हम इसके बराबर कर लेते हैं, सॉन्ग के बराबर। इतना कर लेने के बाद सिंपली आपका वीडियो किस इस तरह का दिखने लगेगा। तो आपको सिंपली लेयर पर जाना है, आपको यहाँ से एक टेम्पलेट लगाना है। तो मैं सिंपली एक टेम्पलेट वीडियो भी दे दूँगा, जाकर डाउनलोड करना। इसको यहाँ से पूरा स्क्रीन कर देना है और सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग में आने के बाद आपको सीधा थोड़ा नीचे करना है, यहाँ पर स्क्रीन पर टैप कर देना है। तो कुछ इस तरह का वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। सिंपली आप देख सकते हैं किस इस तरह का वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस टैबलेट की थोड़ा सा वॉल्यूम कम बंद कर देना है मतलब। तो फ्रेंड आपको अगर कोई भी इस वीडियो में ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आपको इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो आपको सिंपली अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।